नमस्कार, मैं हूं शुभम मिश्रा और आप देख रहे हैं चुनाव से जुड़ा सबसे पहला चुनावी बुलेटिन। चुनाव की चाल तो समझिए, लोकसभा चुनाव में चंद दिनों की देरी है लेकिन चुनावी चाल तूफानी गति से चली जा रही है। बीजेपी अपनी चाल चल रही है, कांग्रेस भी अपनी चाल चल रही है, तो क्षेत्रीय दल भी चाल से कमाल करने की जगत में है। हमारी नजर चुनाव की हर एक चाल पर है, तो चुनाव से जुड़ी हर एक खबर को आपको दिखाएंगे, खबर के अंदर की एक एक चाल को भी समझाएंगे। बस आप देखते रहिए देश का सबसे पहला समझाने वाला बुलेटिन, चुनाव की चाल तो समझिए। लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार ने बहुत बड़ा कदम उठाया है। देश भर में नागरिकता संशोधन कानून लागू कर दिया गया है और इससे तीन देशों के गैर मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता मिलेगी। मोदी सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इससे तीन देशों के गैर मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता मिलेगी। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश के शरणार्थी हिंदू, सिख, बौद्ध शरणार्थी भारतीय नागरिक बन जाएंगे। जैन, ईसाई, पारसी शरणार्थी भारतीय नागरिक बन जाएंगे। 31 दिसंबर 2014 से पहले आए लोग देश के नागरिक बन जाएंगे और केंद्र सरकार ने CAA से संबंधित एक वेब पोर्टल भी तैयार कर लिया है, जिसमें तीन मुस्लिम बहुल पड़ोसी देश से आने वाले वहां के अल्पसंख्यकों को इस पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा और सरकारी जांच पड़ताल के बाद उन्हें कानून के तहत यहां की नागरिकता यानी कि भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल हम इसको लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पड़ोसी देशों के प्रताड़ित अल्पसंख्यकों को जो गारंटी दी थी उसे गृह मंत्री अमित शाह ने पूरा कर दिया, यानी चुनाव से ठीक पहले मोदी की एक और गारंटी पूरी हुई है और हिंदुस्तान में CAA लागू हो चुका है। मोदी सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून का नोटिफिकेशन जारी कर दिया, जिसके बाद कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। बता दें कि विपक्षी दलों ने CAA को लेकर पहले भी देश में माहौल खराब करने की कोशिश की थी। CAA को चुनावी हथकंडा बताया, लेकिन नागरिकता संशोधन कानून को समझेंगे तो वो वहम और अफवाह भी दूर हो जाएंगे, जिसके बूते विपक्षी पार्टियां मुस्लिमों को भड़काने की कोशिश करती रही। दरअसल CAA लागू होने से तीन पड़ोसी देश के शरणार्थियों को नागरिकता मिलेगी। अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के शरणार्थी को नागरिकता मिलेगी। हिंदू, सिख, बौद्ध शरणार्थी भारतीय नागरिक बन जाएंगे। जैन, ईसाई, पारसी शरणार्थी भारतीय नागरिक बन जाएंगे। अवैध तरीके से भारत आए शरणार्थी भी नागरिक बनेंगे। 31 दिसंबर 2014 से पहले आए लोग देश के नागरिक बन जाएंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने साफ कर दिया था कि CAA भारत का कानून है और ये लागू होकर रहेगा, और शाह ने जो कहा उसे पूरा करके दिखाया और इसे लेकर विपक्ष हमलावर है। CAA देश का कानून है, इसको कोई रोक नहीं सकता और हम CAA को लागू कर रहेंगे। भाई और बहनों, जो वहां से आए हैं वो सभी हिंदू भाइयों बहनों का इस देश पर इतना ही अधिकार है जितना मेरा और आपका अधिकार है। कि एक बीजेपी का इलेक्शन पब्लिसिटी है, नथिंग इज इट। तो 2020 में एक कानून पास हुआ था, उसका बाद 4 साल बीत गया, लेकिन अभी चुनाव जब आते हैं एक कुछ कुछ गाप गप पकड़ते हैं, एक भी एक गाप गपो है, लेकिन असली फायदा किसी को नहीं मिलेगा। केंद्र सरकार ने CAA से जुड़े एक वेब पोर्टल को तैयार किया है, जिसमें तीन मुस्लिम बहुल पड़ोसी देश से आने वाले वहां के अल्पसंख्यकों को इस पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा और सरकारी जांच पड़ताल के बाद उन्हें कानून के तहत नागरिकता मिलेगी। मतलब ये मोदी की गारंटी है, जो गारंटी की भी गारंटी है। अब CAA लागू होने के बाद विपक्ष के पास सिर्फ विरोध और अफवाह फैलाने के अलावा कुछ नहीं बचा, और इसी को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली तक की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और अब कई लोगों के दिमाग में CAA को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे होंगे। जानना आप भी चाहते होंगे कि CAA आखिर है क्या, तो एक बार फिर से हम आपको समझा देते हैं
कि आखिर CAA यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट क्या है, इसकी पूरी जानकारी ले लीजिए। CAA नागरिकता संशोधन का कानून है और ये कानून शरणार्थियों को नागरिकता देने का अधिकार देता है। 3 देशों के अल्पसंख्यक शरणार्थियों के लिए ये नया कानून बना है। पाकिस्तान से आए यहाँ के अल्पसंख्यक शरणार्थियों के लिए इस कानून को बनाया गया है। अफगानिस्तान, बांग्लादेश से आए शरणार्थी भी इस कानून के दायरे में आते हैं और इसके दायरे में हिंदू, ईसाई, सिख, जैन और बौद्ध शरणार्थी आते हैं। इस कानून से किसी भी भारतीय की नागरिकता को किसी तरह का कोई खतरा नहीं है। मतलब जो फालतू की कई तरह की बातें की जा रही है वो मात्र एक अफवाह भर ही है। अब जरा और आसान भाषा में हम आपको समझा देते हैं कि कैसे CAA लागू होने से आगे क्या कुछ होने वाला है, इसकी पूरी पूरी जानकारी हम आपको देंगे। सबसे पहले CAA लागू होने से 3 पड़ोसी देशों के शरणार्थियों को नागरिकता मिल जाएगी। इसके अलावा और क्या होगा इसकी भी जानकारी आप ले लीजिए। 3 देश जो हैं वो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश है, जो हमारे पड़ोसी मुल्क हैं। अफगानिस्तान, बांग्लादेश और वहां के जो शरणार्थी हैं वो भारत में आ सकते हैं और भारत की नागरिकता उन्हें मिल जाएगी। हिंदू, सिख, बौद्ध शरणार्थी भारतीय नागरिक बन जाएंगे, इसकी भी जानकारी हम आपको दे रहे हैं कि इस कानून के तहत और क्या क्या होने वाला है, इसकी पूरी जानकारी लीजिए। कौन कौन से धर्म है, जैन, ईसाई, पारसी शरणार्थी भारतीय नागरिक बन जाएंगे। तो कुल मिलाकर इस CAA कानून के तहत ये सारे नए नियम हैं जो लागू होंगे, नए कानून हैं संशोधन के तहत। अवैध तरीके से भी पूरी जानकारी हम आपको देंगे। 31 दिसंबर 2014 से पहले आए लोग देश के नागरिक बन जाएंगे। तो पूरी जानकारी CAA लागू होने से क्या कुछ तब्दीली आएगी, क्या कुछ बदलाव आएगा। केंद्र के पास भारतीय नागरिकता देने का अधिकार होगा। तो ये पूरी जानकारी हम आपको दे रहे हैं कि आखिर क्या क्या होना है और कौन इसके लिए आवेदन कर सकेगा, इसकी भी जानकारी लीजिए। 3 पड़ोसी देशों से आवेदन आ सकते हैं। 3 पड़ोसी देशों से अल्पसंख्यक जो शरणार्थी हैं वो इसके लिए आवेदन दे सकते हैं। 3 मुल्क, बांग्लादेश, पाकिस्तान की हम बात कर रहे हैं, वहां से सभी शरणार्थी आए हैं और इसी की जानकारी हम आपको दे रहे हैं कि वो इस कानून के तहत अपने आवेदन को दर्ज कर सकते हैं, आवेदन दे सकते हैं। अफगानिस्तान से आए अल्पसंख्यक शरणार्थी दे सकते हैं। 3 मुल्कों की बात बार बार हम कर रहे हैं, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश, जो भारत के पड़ोसी मुल्क हैं। साथ ही धर्मों की भी जानकारी लीजिए। हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, ईसाई और पारसी शरणार्थी इसमें आवेदन कर सकते हैं। अवैध तरीके से भारत में दाखिल हुए लोग भी इसके लिए आवेदन दे सकते हैं। तो कौन इस पूरे CAA कानून के तहत आता है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के तहत कौन आवेदन दे सकता है, उसकी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आए शरणार्थी भी इसके लिए आवेदन दे सकते हैं, आवेदन कर पाएंगे। तो देखिए CAA को लेकर बहुत सारी अफवाहें भी हैं और उन अफवाहों पर विराम हम लगा रहे हैं, क्योंकि इस अमेंडमेंट एक्ट के तहत कौन कौन लोग आएंगे, कौन आवेदन दे सकते हैं, कौन एलिजिबल है, इसकी जानकारी भी आपको जरूर होनी चाहिए। कैसे आवेदन होना है ये भी जान लीजिए। नागरिकता पाने की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन है, यानी कि ऑनलाइन ही इस प्रक्रिया को आपको करना है। एक ऑनलाइन पोर्टल भी तैयार कर लिया गया है, CAA को लेकर एक ऑनलाइन पोर्टल की तैयारी कर ली गई है, जिस पर आप जाकर अपने आवेदन को भर सकते हैं। आवेदकों को भारत में प्रवेश का साल बताना होगा, यानी कि आप कब भारत में प्रवेश किए हैं, इसकी जानकारी आपको पोर्टल में देनी होगी। आवेदक से कोई दस्तावेज नहीं मांगे जाएंगे, आपसे इसके अलावे किसी तरह के किसी भी दस्तावेज की मांग नहीं की जाएगी। सिर्फ और सिर्फ आपको यह बताना है कि आप कब आए। विस्थापितों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा, यानी कि जो भी विस्थापित हैं उन्हें ऑनलाइन ही आवेदन करना है, उन्हें इस पोर्टल पर जाकर ही आवेदन करना होगा। लंबित मामले ऑनलाइन ट्रांसफर किए जाएंगे, तो ये और भी बड़ी जानकारी है, ये भी आप जरूर ध्यान दीजिएगा। गृह मंत्रालय आवेदन की जांच करेगा। तो कैसे आवेदन होना है, किस कौन आवेदन कर सकते हैं, इसकी भी पूरी जानकारी हमने आपको दी है। और इसके अलावा ये भी बता देते हैं कि CAA पर मोदी की गारंटी वाली मुहर भी आप समझिए कि मोदी सरकार ने कैसे गारंटी दी थी और उस गारंटी को पूरा कर लिया।
CAA यानी कि नागरिकता संशोधन कानून। बीजेपी काफी पहले से CAA की बात कहती रही है। सदन के अंदर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि CAA देश का कानून है और इसे कोई भी नहीं रोक सकता। सरकार ने साफ किया था कि यह नागरिकता लेने वाला नहीं बल्कि देने वाला कानून है। CAA के लागू होते ही मोदी की एक और बहुत बड़ी गारंटी पूरी हो गई जो उन्होंने देश की जनता के साथ किया था। अब विपक्ष CAA लागू करने की टाइमिंग पर सवाल खड़े कर रहा है। विपक्ष का आरोप है कि जानबूझकर चुनाव से पहले CAA को लागू कर दिया गया है ताकि चुनाव में वोटों का ध्रुवीकरण किया जा सके, लेकिन सरकार का कहना है कि ये कानून शरणार्थियों के लिए है ताकि उनको नागरिकता देकर उनके जीवन को सुधारा जाए। इसके पहले भी जो कहा उसे पूरा किया, कश्मीर से धारा 370 को हटा दिया, अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण करवा दिया और सेना में वन रैंक वन पेंशन 3 तलाक को खत्म किया, मातृशक्ति के लिए 33% आरक्षण दिया है, तो तमाम वादों को पूरा किया है। बढ़ते हैं आगे। केंद्र सरकार पर लालू फैमिली ने बहुत बड़ा वार किया है। अमित शाह पर पूरा परिवार हमलावर नजर आया। माफियाओं को उल्टा लटका देंगे कि अमित शाह के बयान पर लालू प्रसाद के साथ साथ तेजस्वी यादव, मीसा भारती से लेकर राबड़ी देवी तक ने निशाना साधा। सवाल है कि अमित शाह पर लालू परिवार को गुस्सा क्यों आता है? रोजगार पे क्यों नहीं बोल रहे हैं? रोजगार पे क्यों नहीं बोल रहे मौका MLC सीटों के लिए नॉमिनेशन का था। पूरा लालू परिवार राबड़ी देवी का नॉमिनेशन कराने विधानसभा पहुंचा था। नॉमिनेशन के बाद लालू प्रसाद से लेकर राबड़ी देवी तक और मीसा भारती से लेकर तेजस्वी यादव तक गृह मंत्री अमित शाह पर हमलावर दिखे। किसने क्या कहा खुद सुनिए। रोजगार पे क्यों नहीं बोल रहे हैं? रोजगार पे क्यों नहीं बोल रहे हैं? लालू राबड़ी और मीसा भारती का बयान सुन लिया आपने। अब तेजस्वी यादव ने क्या कहा ये भी देखिए। जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन संवैधानिक संस्थाएं हैं उसको जो है लगातार हाईजैक करने का प्रयास जो है भाजपा के द्वारा। अब आप सोच रहे होंगे कि एक साथ पूरा लालू परिवार अमित शाह पर इतने गुस्से में क्यों है, तो उसे समझने के लिए आपको शनिवार को दिया गया अमित शाह का वो बयान सुनना पड़ेगा जो उन्होंने पटना के पालीगंज में दिया था। लालू प्रसाद जी की पार्टी को चेताने आया हूं, बिहार में फिर से डबल इंजन की सरकार बन गई है। भू माफियाओं को उल्टा लटका कर सीधा करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। यानी अमित शाह ने माफिया पर कार्रवाई की बात कही और लालू परिवार लाल हो गया। अमित शाह पर लालू फैमिली ने जिस तरीके से निशाना साधा है उसे लेकर बिहार में सियासत तेज हो गई। JDU और BJP के नेताओं ने लालू परिवार पर पलटवार किया है। वो सब जेल जा रहे हैं, बिहार से माफिया राज खत्म हो रहा है, इसलिए लालू प्रसाद यादव और उनका पूरा परिवार बौखलाया हुआ है। दूसरी ओर कांग्रेस RJD के नेता लालू परिवार के साथ खड़े हैं और अमित शाह पर दिए गए लालू परिवार के सदस्यों के बयान को सही बता रहे हैं। जिसके बेटे की कंपनी नोटबंदी के दौरान 5 करोड़ से 50,000 करोड़ की हो गई, अब वो भ्रष्टाचार पर बात कर रहा है, उल्टी गंगा तो बह रही है ना। आपको बताएं कि बिहार में NDA सरकार बनने के बाद पहली बार बिहार आए अमित शाह ने लालू परिवार पर निशाना साधते हुए कहा था कि NDA के शासन में माफिया को उल्टा कर सीधा कर दिया जाएगा, जिसके बाद से सियासत गर्म है। News 18 के लिए पटना से अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लंदन दौरे से पटना लौटने के बाद राजनीतिक गलियारे में सरगर्मी काफी तेज हो गई है। जल्द ही बिहार NDA में सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर भी चर्चा होगी। मुख्यमंत्री के साथ लंदन गए नवनिर्वाचित सांसद संजय झा ने कहा है कि इस दौरे से वर्ल्ड क्लास साइंस सिटी बनाने के लिए बेहतर आइडिया लेने में काफी सहूलियत हुई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लंदन दौरे से वापस लौट आए हैं। सोमवार सुबह दिल्ली पहुंचने के बाद शाम को नीतीश कुमार पटना लौट आए।
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लंदन दौरे से दिल्ली पहुंचे और दिल्ली स्थित जो अपने आवास है 6K कामराज लेन, उस आवास से दिल्ली स्थित जो आवास से निकल गए हैं, वहां मुलाकात हुई और ब्रिटेन में जो भारत के उच्चायुक्त हैं उनसे भी मुलाकात हुई। बिहारी डायस्पोरा के लोग चाहते हैं बिहार में आकर के हम इन्वेस्टमेंट करें, इसके मद्देनजर भी बातचीत हुई है। पटना एयरपोर्ट से मुख्यमंत्री सीधे अपने आवास के लिए रवाना हो गए। मुख्यमंत्री लंदन दौरे के बीच वहां साइंस म्यूजियम की खासियतों के बारे में जाना। सीएम के साथ दौरे पर गए जेडीयू सांसद संजय झा ने बताया कि साइंस सिटी के लिए बेहतर आइडिया मिलने के साथ ही बिहार डायस्पोरा से जुड़े लोगों ने बिहार में निवेश का भी प्रस्ताव रखा। हम लोग गए थे तो लंदन में गए थे, वहां जाकर के उन्होंने साइंस म्यूजियम देखा है, वहां के एम्बेसडर भी आकर के मिले हैं। ग्लासगो में कुछ जो डेलीगेशन के लोग थे वहां भी बहुत जबरदस्त साइंस म्यूजियम है वो देख के आए हैं और उसी तरह तर्ज पर रिप्लिकेट करके पटना में साइंस म्यूजियम बनेगा। फिर बिहारी डायस्पोरा के लोग भी मिले हैं आकर के मुख्यमंत्री से और बिहार में इन्वेस्टमेंट भी करना चाहते हैं, उससे रिलेटेड बात भी हुई। वाटर में काफ़ी सारा काम होने का पॉसिबिलिटी है, उस पर बात हुई और लार्जली बेसिकली आपको साइंस म्यूजियम को लेकर के ही उस स्केल का इंटरनेशनल लेवल का साइंस म्यूजियम बनाने का प्लान है। बता दें पटना के राजेंद्र नगर में बन रहा साइंस सिटी सीएम नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट है। इसे वर्ल्ड क्लास बनाने को लेकर मुख्यमंत्री लंदन के दौरे पर थे। वैसे सीएम के वापस पटना लौटने के बाद अब एनडीए में सीटों के तालमेल को लेकर भी जल्द अंतिम रूप दिए जाने की उम्मीद है। बताया जा रहा है कि जल्द से जल्द सीटों के फॉर्मूले पर बातचीत तय होगी। न्यूज 18 के लिए दिल्ली से अमितेश सिंह और पटना से शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। और हमारे इस खास बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।